सो गाइस, आज मैं आपकी डिमांड पर स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो इस कहानी की शुरुआत फार फ्रॉम होम मूवी के बाद से होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो की चाल की वजह से सभी को पता चल जाता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है और मिस्टीरियो ने इसे शो किया था। जैसे लंदन में ड्रोन से अटैक पीटर पार्कर ने करवाया था, जिसकी वजह से सभी लोग पीटर को गुनहगार मानने लगते हैं और वो पीटर और एमजे को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे पीटर को लोगों और मीडिया से बचकर भागना पड़ता है। पीटर एमजे को लेकर अपने घर चला जाता है, जहां एपी भी मौजूद होता है और उसे बताता है कि उसका और मे का ब्रेकअप हो गया है। तो पीटर मे से पूछता है कि क्या हुआ, तो मे उसे बताती है कि एपी कभी भी खुलकर बातें नहीं करता है। तभी डैमेज ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोल से कुछ ऑफिसर आकर पीटर को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि तुमने ही ड्रोन से लंदन सिटी पर अटैक करवाया था। साथ ही वो पीटर के दोस्त और उसकी आंट को भी अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, जिनसे वो पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन पीटर पर लगे आरोप साबित नहीं हो पाते, क्योंकि वो अटैक स्टार्क इंडस्ट्रीज के ड्रोन की वजह से हुआ था। लेकिन कुछ लोग अभी भी पीटर को गुनहगार मानते हैं, इसीलिए उसके घर पर अटैक करते हैं, जिससे वो बचने के लिए हैप्पी के साथ उनके घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब पीटर एमजे और नेट के साथ मिड टाउन स्कूल जाता है, तो वहाँ सभी उन्हें परेशान करने लग जाते हैं, जिससे वो सभी उनसे बचने के लिए छत पर चले जाते हैं, जहाँ वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए MIT चले जाएंगे। इसीलिए वो तीनों MIT में जाने के लिए अपना फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन उन तीनों का हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी की वजह से MIT में एडमिशन नहीं हो पाता, ना ही उनका किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन होता है। इससे वो तीनों बहुत सैड हो जाते हैं। पीटर काफी परेशान होता है, तो नीड और एमजे उसका मन रखने के लिए उस लेटर को फाड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें इसका कोई अफसोस नहीं है। लेकिन पीटर को पता था कि उसकी वजह से उसके दोस्तों का एडमिशन नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। तभी उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है कि वो जरूर उसकी कुछ मदद कर सकते हैं, इसीलिए उनसे मिलने के लिए न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल में जाता है, जहां वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि जब मिस्टीरियो ने मेरी पहचान से पर्दा हटाया, तो इससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसीलिए क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे लोगों को लगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि हमने स्पेस टाइम की स्टेबिलिटी के साथ छेड़खानी की थी, ताकि अनगिनत जिंदगियों को बचाया जा सके, लेकिन तुम ये सब इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में है। तो पीटर उन्हें कहता है कि मैं ये सब मेरे लिए नहीं कर रहा, बल्कि इससे बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंची है और मेरे दोस्त नेड और एमजे का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं। तो स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है। तो पीटर काफी सैड हो जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। तभी वोंग उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंज चीजों को भूलने में बहुत माहिर है। तो स्ट्रेंज को इससे द रूम ऑफ अफगान नाम के एक मंत्र का आइडिया आता है और स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि इसे याददाश्त मिटाने का मंत्र कहते हैं, जिससे वक्त पीछे नहीं जाएगा और सभी लोग भूल जाएंगे कि तुम स्पाइडरमैन हो। तो वोंग उसे कहता है कि इस मंत्र में बहुत खतरा है। तो रिप्लाई में स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि हमने इस मंत्र का इस्तेमाल कई बार किया है और पीटर बहुत कुछ झेल चुका है, इसीलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो वोंग उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे कहता है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर स्ट्रेंज पीटर को नीचे तहखाने में लेकर जाते हैं, जहाँ स्ट्रेंज उस मंत्र को पढ़ने लगते हैं और वो पीटर को कहते हैं कि बहुत जल्द पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। तो पीटर इससे काफी परेशान हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि क्या हम कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते। तो स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि मंत्र इस तरह काम नहीं करता और इसे बीच में बदलना बहुत खतरनाक होता है। लेकिन वो पीटर की बहुत रिक्वेस्ट करने पर मान जाते हैं और उस मंत्र को दोबारा पढ़ते हैं, जिससे अब एमजे को छोड़कर पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। तभी पीटर को नेट के बारे में याद आता है और वो स्ट्रेंज से फिर से रिक्वेस्ट करता है। तो स्ट्रेंज इस बार भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे कहते हैं कि आखिरी मौका है, इसके बाद नेट और एमजे को छोड़कर सब भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। लेकिन फिर उसे हैप्पी और मे के बारे में याद आता है और वो स्ट्रेंज को उन्हें भी मंत्र से हटाने को कहता है। लेकिन इससे स्ट्रेंज काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो पीटर की वजह से उस मंत्र में काफी सारे बदलाव कर चुके थे, जिससे वो मंत्र बेकाबू हो जाता है। लेकिन स्ट्रेंज उस मंत्र को किसी तरह काबू कर लेते हैं और उस मंत्र को एक जेम के अंदर कैद कर देते हैं। पीटर स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या सब भूल गए हैं कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। तो स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने इस मंत्र को बहुत बार बदलवाया है, जिससे मैंने मंत्र पर से अपना काबू खो दिया और मुझे सब कुछ रोकना पड़ा, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो सकता था। तो पीटर उनसे सॉरी कहता है। तो स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि यह बहुत दुख की बात है कि तुम्हारी वजह से
तुम्हारे दोस्तों को MIT में एडमिशन नहीं मिला और अगर तुमने MIT वालों से बात की और वो फिर भी नहीं माने तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पीटर उन्हें कहता है कि आपका मतलब क्या है कि मुझे MIT वालों को कॉल करना चाहिए था। तो स्टैन जिससे काफी हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने MIT वालों को अपनी बात समझाने की कोशिश ही नहीं की और मेरे पास पूरी दुनिया की आदर्श मिटवाने के लिए आ गए। फिर वो पीटर को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर पीटर फ्लैश को कॉल लगाता है क्योंकि उसका MIT में सिलेक्शन हो चुका था, इसीलिए वो फ्लैश से पूछता है कि MIT की पार्टी कहाँ पर है। तो फ्लैश उसे कहता है कि तुम्हें सब क्यों जानना है। तो पीटर उसे कहता है कि मैं MIT की हेड से बात करना चाहता हूँ ताकि नेड और MJ का MIT में एडमिशन हो सके। तो फ्लैश उसे बताता है कि वो एक लेडी है लेकिन वो एयरपोर्ट की तरफ निकल गई है। तो पीटर फौरन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे ट्रैफिक में वो लेडी हेड नजर आ जाती है। फिर पीटर उन्हें एडमिशन के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो उन्हें कहता है कि आप मेरी सजा मेरे दोस्तों को मत दीजिए। तभी वहाँ डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टोस पहुँच जाते हैं और सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास उनके वही 4 नुकीले हाथ होते हैं जिससे सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो लेडी हेड अपनी कार के अंदर फंस जाती है। पीटर को कुछ समझ नहीं आता कि वो कौन है और वो सभी पर अटैक क्यों कर रहा है। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोस स्पाइडरमैन पर हमला करना शुरू कर देते हैं जिससे उन दोनों के बीच कमाल की फाइट होती है। लेकिन तभी उस लेडी हेड की गाड़ी ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। तो पीटर किसी तरीके से डॉक्टर ऑक्टोस के हाथ से निकलकर उनकी गाड़ी को ब्रिज से गिरने से बचा लेता है और अपने वेब की मदद से उनकी कार को वही ब्रिज पर लटका देता है। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोस वापस उस पर हमला कर देते हैं और वो पीटर के आयरन स्पाइडर आर्मर का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं जिससे वो नैनो पार्टिकल्स डॉक्टर ऑक्टोस के टेंटिकल्स में लग जाते हैं और पीटर के चेहरे पर लगा सूट भी हट जाता है। ये देखकर डॉक्टर ऑक्टोस बहुत हैरान होते हैं कि वो तो पीटर पार्कर नहीं है। लेकिन तभी पीटर अपने सूट की मदद से डॉक्टर ऑक्टोस के टेंटिकल्स को कंट्रोल करने लग जाता है क्योंकि पीटर के नैनो पार्टिकल्स की वजह से वो टेंटिकल्स पीटर के सूट से कनेक्ट हो गए थे जिससे पीटर अब उन टेंटिकल्स को कंट्रोल करके उस लेडी हेड को भी बचाकर ऊपर ले आता है और वो डॉक्टर ऑक्टोस को उन्हीं के हाथों से पकड़ लेता है। फिर वो MIT हेड ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें सेफली कार से बाहर निकालता है। तो MIT लेडी उसे कहती है कि तुम तो एक हीरो हो, इसीलिए मैं तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की MIT में एडमिशन के लिए बात करूंगी। तो पीटर इससे काफी खुश होता है। फिर वो डॉक्टर ऑक्टोस से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। लेकिन तभी वहाँ ग्रीन गोब्लिन आ जाता है और अपने बॉम्ब से अटैक करने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से पीटर और डॉक्टर ऑक्टोस को अपने तहखाने में ले आते हैं जहाँ वो ऑक्टोस को एक मैजिकल केज में बंद कर देते हैं। फिर वो पीटर को बताते हैं कि तुम्हारी वजह से मंत्र में जो गड़बड़ हुई थी उसकी वजह से हर यूनिवर्स से कुछ लोग यहाँ आ गए हैं जो जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। तो पीटर इससे बहुत हैरान होता है कि मल्टीवर्स एक सच्चाई है। फिर वो स्टेन से कहता है कि आपने तो उस मंत्र को बीच में ही रोक दिया था, फिर ये सब यहाँ कैसे आ गए। तो स्टेन उसे कहते हैं कि मैंने कोशिश की थी लेकिन फिर भी मल्टीवर्स से कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं और मुझे जब दूसरे यूनिवर्स के जीवों का यहाँ होने का एहसास हुआ तो मैंने उनका पीछा किया और मुझे भयानक छिपकली मिली जो कि असल में डॉक्टर कट कोनस होते हैं। फिर स्टेंज पीटर को कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इनके जैसे और दूसरे यूनिवर्स से जाने कितने मोस्टर आए होंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी को पकड़ो और इन मैजिकल केज में बंद कर दो और मैं इन्हें वापस भेजने का कोई तरीका ढूंढता हूँ। तो पीटर स्टेंज को कहता है कि अगर MIT वालों ने मुझे इन मोस्टर के साथ देख लिया तो मेरे दोस्तों का एडमिशन फिर से कैंसिल कर देंगे। तो स्टेंज पीटर से उसका वेपन सूट लेकर उसके ऊपर मैजिक कर देते हैं जिसकी मदद से अटैक करने पर कोई भी सीधा ही उस मैजिकल केज में पहुंच सकता था। यह देखकर पीटर बहुत खुश होता है और वो स्टेंज को कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब मेरा किया कराया है, इसीलिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे इसमें मेरे दोस्तों की मदद चाहिए। फिर वो नेड और MJ को भी वहाँ बुला लेता है। फिर वो तीनों तहखाने में जाते हैं जहाँ पीटर उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। तो MJ उसे कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ लेकिन अगली बार अगर तुम कोई भी ऐसा फैसला लो जिससे दुनिया खतरे में पड़ सकती है तो एक बार जरूर हमसे पूछ लेना जिससे हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो पीटर भी उसकी बात समझ जाता है। फिर वो सभी उन बाकी मॉन्स्टर को सोशल मीडिया पर ढूंढने लग जाते हैं। नेट को पता चलता है कि शहर के बाहर एक जगह काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है और लोगों ने वहाँ एक मॉन्स्टर देखा है। तो पीटर को लगता है कि वो जरूर ग्रीन गोब्लिन होगा जिससे उसने ब्रिज पर देखा था। तो डॉक्टर ऑक्टोस उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मन ऑसबोर्न काफी सालों पहले मर चुका है। लेकिन पीटर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने के लिए अपने सूट को साफ करने की कोशिश करने लग जाता है क्योंकि हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी की वजह से लोगों ने उसका सूट बहुत गंदा कर दिया था। काफी कोशिश करने के बाद भी पीटर वो सूट साफ नहीं कर पाता, इसीलिए
वो उस सूट को उल्टा पहनकर वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। पीटर जब वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ मैक्स यानी कि इलेक्ट्रो दिखाई देता है जो वहाँ इलेक्ट्रिक पोल से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था। इलेक्ट्रो पीटर पर हमला कर देता है जिससे पीटर दूर जाकर गिरता है और इलेक्ट्रो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी सैंडमैन आकर पीटर को बचा लेता है। सैंडमैन उससे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो पीटर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे वाला स्पाइडरमैन नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी तुम इसे रोकने में मेरी मदद करो। फिर सैंडमैन एक बाउंडर बनाकर इलेक्ट्रो को अपने अंदर फंसा लेता है और पीटर वहाँ के सारे इलेक्ट्रिक पोल के वायर निकाल देता है जिससे इलेक्ट्रो की पावर कम होने लगती है और इलेक्ट्रो शांत हो जाता है। फिर पीटर उन्हें बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स नहीं है। फिर पीटर उन दोनों को मैजिकल केज के अंदर भेज देता है जहाँ इलेक्ट्रो लिजार्ड को पहचान लेता है क्योंकि वो एक यूनिवर्स से आए थे। इसीलिए वो नेड और एमजे को बताता है कि जब मैं ओस्कोप में आया था तब कर्ट कोनस ओस्कोप के बहुत ही काबिल साइंटिस्ट थे, लेकिन फिर इन्होंने अपने आप को लिजार्ड में बदल दिया और ये पूरे शहर को अपने जैसा बनाना चाहते थे। फिर वो सभी एमजे और नेड से पूछते है कि हम कहाँ है, तो एमजे उन्हें बताती है कि तुम सभी जादुई तहखाने में हो। वहीं हमें नॉर्मन ओसबोर्न को दिखाया जाता है जो अपनी शैतान वाली शख्सियत से काफी परेशान हो चुका था, इसीलिए उस मास्क को तोड़ देता है। फिर वो पीटर की आंट के घर जाता है। पीटर को जब इस बात का पता चलता है तो फौरन वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि वो पीटर से ही मिलना चाहता था, लेकिन ओसबोर्न ये देखकर काफी हैरान होता है कि वो उसके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन नहीं है। इसीलिए उसे कहता है कि मैं यहाँ ये सोचकर आया था कि मैं जिस स्पाइडरमैन को जानता हूँ वो मेरी मदद करेगा, लेकिन तुम वो नहीं हो। फिर उन्हें कहते हैं कि कभी कभी मेरा खुद पर काबू नहीं रहता और मैं कुछ और बन जाता हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इससे आंट मेरे को लगता है कि वो पागल हो चुके हैं और वो पीटर से पूछती है कि क्या सारे मॉन्स्टर ऐसे ही हैं, तो पीटर उन्हें कहता है कि सभी को कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है जिससे वो बुरे मॉन्स्टर बन गए हैं। तो आंट में उसे कहती है कि तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए, तो पीटर उन्हें कहता है कि ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है और इनकी बेहतर मदद वहीं से हो सकती है जहाँ से आए हैं, इसीलिए हम इन्हें घर भेजने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो आंट में उसे समझाती है कि हमें सभी लोगों को दूसरा मौका देना चाहिए जिससे शायद वो बाद में सुधर जाए। फिर आंट में पीटर और ओसबोर्न को न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल पर छोड़ देती है। पीटर जब ओसबोर्न को लेकर अंदर जाता है तो ऑक्टेवियस ओसबोर्न को जिंदा देखकर बहुत हैरान होता है। वो ओसबोर्न को कहता है कि तुम तो मर चुके थे, तो पीटर को भी कुछ समझ नहीं आता और सैंडमैन पीटर को बताता है कि ऑक्टेवियस और ओसबोर्न कई सालों पहले स्पाइडरमैन के हाथों मारे जा चुके हैं। तभी इलेक्ट्रो को भी याद आता है कि वो स्पाइडरमैन के हाथों हाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मारा गया था। तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और ओसबोर्न को भी केज में बंद कर देते हैं। स्ट्रेंज के हाथ में एक बॉक्स होता है, इसीलिए पीटर उनसे पूछता है कि ये क्या है, तो स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि ये प्राचीन मेकिना अवशेष है जिसके ही अंदर वो गलत मंत्र कैद है, इसीलिए इस मेकिना बॉक्स को एक्टिवेट करते ही वो गलत मंत्र पलट जाएगा और ये सभी मॉन्स्टर जहाँ से आए हैं वहीं पहुँच जाएंगे। तो पीटर उन्हें कहता है कि हम इन्हें वहाँ नहीं भेज सकते क्योंकि इनमें से कुछ वहाँ जाते ही मर जाएंगे। तो स्ट्रेंज पीटर को कहते हैं कि इनकी किस्मत है और मरने वाले को कोई नहीं बचा सकता। फिर वो उस मेकिना बॉक्स को एक्टिवेट करने लग जाते हैं, लेकिन तभी पीटर मेकिना बॉक्स छीन कर वहाँ से भागने लगता है। स्ट्रेंज उसका पीछा करते हैं और उससे अपना डिवाइस लेकर अपनी शक्तियों से पीटर पर अटैक कर देते हैं जिससे पीटर की आत्मा निकल कर रूहानी दुनिया में चली जाती है। ये देखकर पीटर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन स्ट्रेंज फिर भी पीटर से वो मेकिना डिवाइस नहीं ले पाते और पीटर वापस अपनी बॉडी में आकर वहाँ से भागने लगता है। तो स्ट्रेंज पीटर को आईने के आयाम में ले जाते हैं जहाँ वो अपनी पावर की मदद से बिल्डिंग को मूव करने लगते हैं, जिससे स्ट्रेंज पीटर को पकड़ लेते हैं और वो पीटर से मेकिना बॉक्स छीन लेते हैं। फिर वो पोर्टल की मदद से वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी पीटर देखता है कि आईने का आयाम जियोमेट्रिक के शेप में बना हुआ है, इसीलिए अपने वेब का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेंज को मैट्रिक्स में उलझा देता है और वो स्ट्रेंज की तिलस्मी अंगूठी और मेकिना बॉक्स लेकर वहाँ से वापस तहखाने में आ जाता है। वो स्ट्रेंज को हराकर बहुत खुश होता है और फिर वो नेट को उनकी तिलस्मी रिंग दे देता है। ऑक्टेवियस उन्हें कहता है कि तुम हमें मरने के लिए छोड़ गए थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो एमजे उसे कहते है कि ऐसा नहीं है। फिर पीटर उन सभी को कहता है कि मैं तुम सबको बचा सकता हूँ क्योंकि अगर मैं तुम सभी को वापस नॉर्मल इंसान बना दूँ तो तुम्हारे यूनिवर्स में सब कुछ बदल चुका होगा जिससे तुम में से कोई भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए नहीं मरेगा। तो वो सभी उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर पीटर नेड और एमजे को वो मेकिना बॉक्स देकर कहता है कि तुम दोनों को इस बॉक्स को संभालना होगा क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम दोनों को मैसेज कर दूंगा जिससे तुम इस बॉक्स को एक्टिवेट कर देना और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एमजे उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसे कहती है कि इन मॉन्स्टर का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अगर मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं मिला तो मैं इस मेकिना बॉक्स को एक्टिवेट कर दूंगी और वो बाकी सभी मॉन्स्टर को भी यही बात कहती है ताकि वो कोई चालाकी ना करे। फिर नेड और एमजे वहाँ से
निकल जाते हैं और पीटर उन सभी को लेकर हैप्पी के घर चला जाता है, जहां वो उन सभी को फैब्रिकेटर मशीन दिखाता है जिसकी मदद से कुछ भी बनाया जा सकता था, क्योंकि ये मशीन वही होती है जिसकी मदद से पीटर ने फार फ्रॉम होम मूवी में मिस्टियो से लड़ने के लिए अपना सूट बनाया था। फिर पीटर सबसे पहले ऑक्टेवियस को सही करने के लिए चिप बनाने लगता है जिसमें ओसबोर्न भी उसकी मदद करते हैं। इसलिए पीटर उन्हें बताता है कि ऑक्टेवियस के गर्दन के पीछे एक चिप लगी हुई है जो उनके टेंटिकल्स को दिमाग पर काबू करने से रोकती थी, लेकिन वो चिप खराब हो चुकी है जिससे ही वो इतने गुस्से में रहते हैं। इसीलिए पीटर उस चिप को अब काफी अच्छे से बनाने लगता है और फाइनली वो उस चिप को बना लेता है। फिर जब उस चिप को ऑक्टेवियस के गर्दन में लगाता है तो ऑक्टेवियस का गुस्सा शांत हो जाता है और ऑक्टेवियस पीटर को बताते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे जो अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी वो भी सुनाई नहीं दे रही है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं और वो पीटर को भी उसके सूट के नैनो पार्टिकल्स वापस दे देते हैं। फिर पीटर इलेक्ट्रो को भी ठीक करने का गैजेट बना लेता है जिसकी मदद से इलेक्ट्रो की सारी पावर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और इलेक्ट्रो वापस से नॉर्मल इंसान बन जाएगा। फिर वो प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है और पीटर ओसबोर्न को ठीक करने का सीरम बनाने लगता है, लेकिन तभी नॉर्मन ओसबोर्न के अंदर का शैतान ग्रीन गोब्लिन जाग जाता है और वो बाकी सभी को भी भड़काने लगता है कि हमारी ये पावर कोई श्राप नहीं है, ये हमारा वरदान है, जिससे इलेक्ट्रो भी उसकी बातों में आ जाता है और वो फैब्रिकेटर मशीन से उसका पावर डिवाइस निकाल लेता है जिससे इलेक्ट्रो के पास बहुत पावर आ जाती है। ऑक्टेवियस उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इलेक्ट्रो उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। फिर इलेक्ट्रो पूरे शहर की बिजली को अपने अंदर खींचने लगता है। ग्रीन गोब्लिन पीटर पर अटैक करने लगता है और उसे बहुत मारता है। वो पीटर को कहता है कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी कमजोरी है। ये देखकर आंट मे नॉर्मन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गोब्लिन अपने ग्लाइडर से आंट मे पर अटैक कर देता है और फिर वो मे के ऊपर बॉम्ब फेंक कर चला जाता है, लेकिन पीटर उन्हें किसी तरीके से बचा लेता है। मगर आंट मे ग्लाइडर से इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन वो इसके बारे में पीटर को नहीं बताती। पीटर उन्हें कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मुझे स्ट्रेंज का साथ देकर इन सभी को वापस भेज देना चाहिए था। तो आंट मे उसे कहती है कि वो सभी लोग अपने यूनिवर्स में मारे जाते, इसीलिए तुमने बिल्कुल सही किया। फिर उसे समझाती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। तभी आंट मे को कुछ होने लगता है। पीटर देखता है कि वो ग्लाइडर से इंजर्ड हो चुकी है, तो पीटर इससे काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी आंट मे अपना दम तोड़ देती है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। उन्हें लगता है कि ये सब पीटर ने किया है, इसीलिए उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे ना चाहते हुए भी पीटर को वहाँ से जाना पड़ता है। पीटर काफी उदास होता है। वही हमें नेट और एमजे को दिखाया जाता है जो नेट की दादी के घर चले गए थे और उन्होंने भी वो पूरी घटना न्यूज में देख ली थी। एमजे काफी परेशान होती है और पीटर भी अभी तक वहाँ नहीं आया था, इसीलिए एमजे डिसाइड करती है कि वो बटन दबा देगी। लेकिन तभी नेट के हाथ से मैजिक होने लगता है, क्योंकि उसने स्ट्रेंज की तिलस्मी अंगूठी पहनी थी, इसीलिए वो पूरा फोकस करके पीटर के पास जाने को कहता है, जिससे वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और पीटर भी वहीं होता है। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वो इस कहानी का सेकंड स्पाइडर मैन है, जो कि एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडर मैन होता है जिसने लिजार्ड और इलेक्ट्रो से लड़ाई की थी। नेट भी समझ जाता है कि स्पाइडर मैन जरूर दूसरे यूनिवर्स से आया है, लेकिन एमजे को विश्वास नहीं होता, इसीलिए उसे दीवार पर रेंगने को कहती है। और जब वो ये करता है तो एमजे को उस पर विश्वास हो जाता है और वो नेट से कहती है कि तुमने गलत स्पाइडर मैन को बुला लिया है, ये हमारे वाला स्पाइडर मैन नहीं है, इसीलिए तुम दोबारा अपनी रिंग को घुमाओ। फिर नेट जब दोबारा ट्राई करता है तो इस बार टोबे मगुरे वाला स्पाइडर मैन बाहर आ जाता है, जिसने अपने यूनिवर्स में ग्रीन गोब्लिन, ऑक्टेवियस और सैंडमैन का सामना किया था। वो दोनों स्पाइडर मैन एक दूसरे को देखकर काफी हैरान होते हैं और इससे वो भी समझ जाते हैं कि मल्टीवर्स एक सच्चाई है। फिर वो दोनों स्पाइडर मैन नेट और एमजे को कहते हैं कि यहाँ वाले पीटर पार्कर यानी कि तुम्हारे दोस्त को हमारी जरूरत होगी, क्योंकि वो अकेला इतने सारे मॉन्स्टर का सामना कैसे कर रहा होगा, इसीलिए हमें उसके पास जाना होगा। तो नेट उन्हें कहता है कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, लेकिन तभी एमजे को याद आता है कि जब भी पीटर उदास होता था तो मिड टाउन स्कूल की छत पर चला जाता था। इसीलिए नेट और एमजे जब वहाँ जाते हैं तो पीटर काफी उदास होता है, क्योंकि वो मे के जाने की वजह से काफी टूट चुका था। एमजे पीटर को कहती है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को लेकर आए हैं। फिर उन दोनों स्पाइडर मैन को वहाँ बुला लेती है और अब फाइनली वो तीनों स्पाइडर मैन एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। पीटर अपनी मे को लेकर काफी परेशान होता है। वो उन्हें कहता है कि मेरे आंट की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो बेवजह मारी गई, इसीलिए मैं इस मेकिना बॉक्स को एक्टिवेट कर दूंगा, जिससे तुम दोनों और तुम्हारे वो विलन वापस अपने अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे और तुम खुद ही उनका वहाँ सामना करना, और उनका मरना या न मरना ये सब तुम्हारे हाथों में है, इसीलिए मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उस मेकिना बॉक्स को एक्टिवेट करने लगता
लगता है। लेकिन तभी एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन उसे कहता है कि मैंने मेरी ग्वेन को खो दिया था जिससे मैं प्यार करता था और मैं उसे नहीं बचा पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और लोगों के लिए वही फैमिली नेबरहुड स्पाइडरमैन बना रहा क्योंकि ग्वेन भी यही चाहती थी कि मैं लोगों की मदद करूं। फिर टोबे मैगुरे वाला स्पाइडरमैन उसे कहता है कि क्रिमिनल ने मेरे अंकल ग्वेन को मार दिया था, इसीलिए मैं उनकी मौत चाहता था और मैं जो चाहता था वो हुआ भी, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला, इसीलिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि हम यही तो करते हैं। तो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन उसे कहता है कि मेरी आंट में जख्मी होने के बाद भी यही कहती रही कि हमने बिल्कुल सही किया। फिर वो दोनों स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को समझाते हैं कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, इसीलिए वो जो चाहती थी वो जरूर होगा। फिर वो सभी अपने अपने विलन्स को वापस से इंसान बनाने के लिए गैजेट बनाने लग जाते हैं और वो कुछ ही समय में सभी को ठीक करने के लिए गैजेट बना लेते हैं। फिर एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन सभी को कहता है कि हमें सभी मॉन्स्टर को एक जगह पर लाना है जिससे जब वो हम पर हमला करेंगे तो हम उनका इलाज करके वापस उन्हें उनके यूनिवर्स में भेज देंगे। फिर पीटर अपने वेव फ्लूइड ले लेता है तो टोबे मैगुरे वाला स्पाइडरमैन उन्हें कहता है कि इसकी क्या जरूरत है क्योंकि वो खुद अपने हाथों के अंदर से ही वेव निकाल सकता था। ये देखकर वो सभी बहुत हैरान होते हैं। फिर टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर उन सभी को अपना प्लान बताता है कि हम उन सभी मॉन्स्टर को द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पर इकट्ठा करेंगे क्योंकि वहाँ खतरा बहुत कम होता है। फिर वो तीनों स्पाइडरमैन नेट के जादू की मदद से स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पहुँच जाते हैं। फिर टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन लाइव जाकर सभी को बताता है कि वो मॉन्स्टर मेरी गलती की वजह से यहाँ आए थे और मैं उन सभी को मार भी सकता था, लेकिन मेरी आंट में मुझे कहती थी कि मुझे सभी को दूसरा मौका देना चाहिए, इसीलिए मैं उन्हें दोबारा मौका दे रहा हूँ, इसीलिए तुम जहाँ भी हो द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पर आ जाना। पीटर ने उन्हें ये मैसेज इसलिए दिया होता है ताकि उस मेकिना बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ आ जाए और तीनों स्पाइडरमैन मिलकर उन सभी को ठीक कर दे। फिर वो सभी वहाँ उनके आने का इंतजार करने लग जाते हैं और वो तीनों साथ में बातें करने लगते हैं। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन उन दोनों से पूछता है कि तुमने कौन कौन से क्रेजी विलन का सामना किया है, तो दोनों से कहते हैं कि तुम उन सभी से मिल चुके हो। तो रिप्लाई में पीटर उन दोनों कहता है कि मैं एक बार स्पेस में एक एलियन से लड़ा था, जिससे वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। तभी उन्हें उन मॉन्स्टर के आसपास होने का एहसास होता है, इसीलिए वो सभी सतर्क हो जाते हैं। तभी इलेक्ट्रो अपने नए लुक में वहाँ आ जाता है और वो पीटर को कहता है कि वो मेकिना डिवाइस मुझे दे दो ताकि मैं उसे खत्म कर दूं। फिर उन सभी में बहुत ही कमाल की फाइट होने लगती है और पीटर उस बॉस को नेट और एमजे को दे देता है, लेकिन नेट तिलस्मी अंगूठी से बनाए हुए पोर्टल को बंद नहीं कर पाता। तभी वहाँ सैंडमैन और लिजार्ड भी आ जाते हैं जो उन तीनों स्पाइडरमैन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो सभी उनका सामना नहीं कर पाते, इसीलिए वो तीनों साथ में इकट्ठा होते हैं और वो टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को कहते हैं कि हम कभी भी टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं, इसीलिए हमें टीम में लड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो रिप्लाई में पीटर उन दोनों को कहता है कि हम सभी को फोकस करना होगा और एक एक को टारगेट करके उन्हें ठीक करना होगा। फिर वो तीनों साथ में मिलकर सबसे पहले सैंडमैन को ठीक करने के लिए उसे जान में फंसाने लगते हैं और वो कुछ भी करके सैंडमैन को ठीक करने वाली सीरम को सैंडमैन पर अप्लाई कर देते हैं जिससे सैंडमैन यानी कि फ्लिंट मार्को वापस से इंसान बन जाता है। फिर वो तीनों इलेक्ट्रो को ठीक करने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो फैब्रिकेटेड डिवाइस की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था, इसीलिए वो तीनों उसे पकड़ नहीं पाते। और वही लिजार्ड भी पोर्टल खुला होने की वजह से नेट और एमजे पर अटैक करने चला जाता है। ये देखकर टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अपने दोस्तों को बचाने के लिए लिजार्ड को रोकने जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रो बाकी के दोनों स्पाइडरमैन पर अपनी पावर से अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाते हैं और वो भी दोनों स्पाइडरमैन का साथ देते हैं क्योंकि पीटर ने उन्हें ठीक किया था, इसीलिए वो मैक्स यानी कि इलेक्ट्रो को पकड़कर उस पर ठीक करने वाला डिवाइस लगा देते हैं जिससे इलेक्ट्रो भी वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है। वहीं टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन भी लिजार्ड को पकड़ लेता है और उन्हें ठीक करने वाली सीरम से उन पर अटैक कर देता है जिससे डॉक्टर कर्ट कोनर्स भी वापस से नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। तभी नेट भी उस बॉक्स को छिपाने के लिए पोर्टल खोलने लगता है, लेकिन वो गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पोर्टल खोल देता है जिससे स्ट्रेंज वहाँ आ जाते हैं और उस मेकिना बॉक्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। तो नेट उन्हें रोकता है और कहता है कि पीटर का प्लेन काम कर रहा है और वो सभी को वापस नॉर्मल इंसान बना रहा है, तो स्ट्रेंज भी उसकी बात मान लेते हैं। फिर वो पीटर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अभी ने जाना होगा। फिर उस मेकिना बॉक्स को एक्टिवेट करने लगते है, लेकिन तभी वहाँ ग्रीन गोब्लिन आ जाता है और वो स्ट्रेंज पर अटैक करके वो बॉक्स छीन लेता है, लेकिन ऑक्टेवियस गोब्लिन को पकड़ लेता है और स्ट्रेंज गोब्लिन से मेकिना बॉक्स वापस छीन लेते हैं। लेकिन गोब्लिन ने मेकिना बॉक्स में बम रख दिया था जिससे वो मेकिना बॉक्स ब्लास्ट हो जाता है और वो जादू फिर से स्टार्ट हो जाता है।
तभी वहाँ एमजे भी नीचे गिरने लगती है। तो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अपनी एमजे को बचाने जाने लगता है, लेकिन तभी गोब्लिन पीटर को पकड़ कर ले जाता है। ये देखकर एंड्रू वाला स्पाइडरमैन एमजे को बचाकर नीचे ले आता है, लेकिन वो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि अपनी गेंद को नहीं बचा पाया था। वहीं स्ट्रेंज उस मंत्र को वापस काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो मंत्र बेकाबू हो जाता है और सभी यूनिवर्स से और लोग भी इस यूनिवर्स में आने लगते हैं, जो जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। इसीलिए स्ट्रेंज किसी तरह उन पोर्टल को खुलने से रोकने लगते हैं। वहीं टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर गोब्लिन पर अटैक कर रहा होता है और उसके ग्लाइडर पर अटैक करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वहीं नेट भी नीचे गिरने वाला होता है कि तभी स्ट्रेंज का चोगा उसे बचा लेता है। पीटर को इन सभी की वजह से गोब्लिन पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उसे बहुत मारता है क्योंकि उसने उसकी आंट मे को मारा था। इसीलिए वो उसे जान से मारने के लिए ग्लाइडर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी टोबे मैगुइर वाला स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है। लेकिन गोब्लिन अभी भी हार नहीं मानता और वो टोबे मैगुइर को इंजर्ट कर देता है। ये देखकर पीटर गोब्लिन को सही करने का सीरम उसके अंदर इंजर्ट कर देता है, जिससे गोब्लिन भी वापस नॉर्मल हो जाता है और उसे अपने किए का बहुत पछतावा होता है। वहीं स्ट्रेंज बाकी दुनियाओं के पोर्टल को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर पीटर उनके पास जाता है तो स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि बाकी दुनियाओं से लोग यहाँ आ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत देर कर दी है। तो पीटर उन्हें कहता है कि वो सब मेरी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। इसीलिए अगर इस बार सब भूल जाए कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सभी वापस अपनी दुनियाओं में चले जाएंगे। तो स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि इससे हमारा काम हो तो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो कोई भी तुम्हें जानता है उन सभी को तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। तो पीटर इसके लिए तैयार हो जाता है। तो स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि तुम अपने दोस्तों से एक बार मिल लो क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। फिर पीटर दोनों स्पाइडरमैन को थैंक्स कहता है और फिर वो नेड और एमजे के पास जाता है और उन्हें कहता है कि अब तुम कुछ देर बाद भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा और मैं वापस सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो एमजे उसे कहती है कि इसके अलावा और कोई तरीका तो जरूर होगा। तो पीटर उसे कहता है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो वो भी उसकी बात मान लेती है। फिर स्ट्रेंज उस मंत्र को दोबारा पढ़ते हैं, जिससे वो सभी वापस अपनी अपनी दुनियाओं में जाने लगते हैं और अब सब कुछ वापस ठीक हो जाता है और अब सभी भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन था। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर नेड और एमजे से मिलने जाता है, लेकिन एमजे और नेड उसे भूल चुके थे, मगर एमजे को कुछ अलग महसूस होता है। लेकिन पीटर जब एमजे के चेहरे पर लगे घाव देखता है तो वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर पीटर अपनी मैं की कब्र के पास जाता है, जहाँ हैप्पी होगन भी मौजूद होते हैं, लेकिन अब वो पीटर के लिए अजनबी थे। फिर पीटर अपनी नई जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो पढ़ाई के साथ साथ लोगों की जान बचाना शुरू कर देता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।